दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल पे एक नया वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज मैं एक बार फिर से हाजिर हुआ आपको एक नई सक्सेस स्टोरी के लेकर के। आज एक बार मैं फिर से पहुंच चुका हूं पल्वराइजर मशीन जो आप हमारे पीछे देख सकते हैं, इसका कस्टमर रिव्यू लेने के लिए समस्तीपुर ज़िले में। समस्तीपुर ज़िले में कौन सा जगह है, कस्टमर का क्या नाम है, क्या पिसाई करते हैं, कितना करते हैं, सारा कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो में अंत तक बने रहे। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? जलेंद्र कुमार राय। जलेंद्र कुमार राय, अभी हम समस्तीपुर जिले में किस जगह पे हैं? नामापुर हुआ, थाना चकमहसी, जिला समस्तीपुर, चकमहसी के आसपास में है हम। जी जी। तो आप सबसे पहले ये बताइए, ये जो आप मशीन लगाए हुए हैं, इस मशीन के बारे में आपको जानकारी कैसे मिला, कहाँ से मिला? जानकारी वही यूट्यूबर से देखे, मोबाइल से देखे, और मोबाइल से वीडियो देखे, पहला वीडियो देखे हैं, मन पर अच्छा लगा, गए। तो पहले क्या करते थे आप इस मशीन को चलाने से पहले? तो हम गैरेज है, ये है चकमहसी में, गैरेज है अपना, गैरेज है अपना चकमहसी में। तो इसको ये वीडियो को देखे उसके बाद आप गए, कहाँ गए थे लाने? डायरेक्ट वहीं पहुँचे। कहाँ पर? गुप्ता जी के हैं, गुप्ता जी के महुआ में। महुआ में भारत मशीन, भारत मशीन। तो आप कितना दिन पहले लगाए? मैक्सिमम अढ़ाई महीना हो गया। ढाई महीना हो गया, ढाई महीना। अढ़ाई महीना में क्या क्या चीज़ अभी तक इसमें खराबी हुआ? खराबी तो कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। कितना एचपी के मोटर पे चला रहे हैं? 7.5 है। 7.5 एचपी। कितना प्रोडक्शन निकल जाता होगा? गेहूं और समझिए ना, कुंटल एक कुंटल 15-20 किलो निकल जाता है। सही सही बताइएगा। सही सही, सही। 7.5 एचपी बहुत, झूठ बोलने की बात नहीं। बहुत लोग के 50-60 किलो निकलता है 7.5 एचपी। वो कहने के लिए कोई अपना कह दे, लेकिन जो हम निकाल रहे हैं ना, मतलब एक कुंटल प्लस निकाल रहे हैं महीना से। हाँ, कुंटल पा रहे हैं। अच्छा, अढ़ाई महीना से आप चला रहे हैं, कोई अभी तक समस्या आया है? कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। धियापुता पर बेटी है, 8 साल के 10 साल के वो चला लेती है। 8 साल की बच्ची वो चला लेट के आते हैं, वो अपना 4-5 बजे से अपना शुरू रहते हैं। 4-5 बजे से मतलब वो चला लेते, आपकी बच्ची भी चला लेती है, इतना मुश्किल नहीं इसको चलाना? कोई दिक्कत नहीं, आराम से लोग चला सकता है। अच्छा, सुनते कि बहुत है गर्दा उर्दा उड़ा देता है मशीन? नहीं, गर्दा कुछ नहीं, गर्दा जो उड़ता है ना, तो मान के चलिए ये पहले जो लगा था पतला वाला जी, इसको हम लगा दिए मोटा वाला, और ये है निकलने के लिए, अब गर्दा उड़ा कुछ नहीं निकलता, अब नहीं उड़ता है गर्दा उड़ा, कोई दिक्कत नहीं। हल्ला बहुत करता है मशीन, बहुत चला के अभी चला के बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चला के तो अभी हम थोड़ा सा कहेंगे, आप देखेंगे क्वालिटी कैसे रहता है। क्वालिटी तो सामने में देख रहे हैं, आटा का क्वालिटी दिखाने के लिए तो सब दिखा देता है कस्टमर, जिसको आप पीस के दिए हैं वो आपको बताया कि हाँ कैसा बताया है। मान के चलिए बहुत बात है, यहाँ पर नहीं बोलना चाहिए अगल बगल बात, लेकिन ठीक है। कोई शिकायत नहीं आया? कोई शिकायत नहीं अभी तक आया है, जो एक बार आते हैं दोबारा आते हैं, जरूर आते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, शिकायत हुआ है आगे जो। वाइब्रेशन वगैरह कुछ है? कुछ नहीं है, सोचे आराम से गुनगुनाता है, क्या कि इसलिए पूछे कि आप फाउंडेशन भी नहीं करवाए? बिना फाउंडेशन कुछ नहीं, नीचे कोची डाले हुए हैं, वही रबर जो आया था अथी वाला, थोड़ा सा डाल दिए नीचे, रबर डाल दिए, कोई वाइब्रेशन नहीं है। चला के दिखा सकते हैं थोड़ा सा आराम से, एक बार देख लेते कैसे चलता है, चला करके थोड़ा सा दिखाइए आप। दोस्तों हम आपको साउंड वगैरह सुनवाते हैं, वाइब्रेशन दिखाते हैं, कितना यहाँ से हवा उड़ता है, हवा का दबाव कितना रहता है वो भी बताते हैं। हवा ज़्यादा रहता है कि कम रहता है? हवा तो थोड़ा बहुत, माने हवा नहीं रहेगा तो आटा कैसे निकलेगा? तो हवा इसलिए पूछ रहे हैं कि मान लीजिए एक मोटरी आप पीस रहे हैं, दूसरा मोटरी बदलने के लिए मशीन बंद करना पड़ता है कि चलते चलते बदला जाता है? नहीं, हम करते हैं क्या, टीना से जो है, टीना से रखे हुए हैं, अपना हेर फेर करते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता? हाँ, कोई दिक्कत नहीं होता। शॉर्टेज वगैरह का कितना जाता होगा कुंटल? शॉर्टेज तो जैवे करेगा, थोड़ा बहुत शॉर्टेज कुंटल में कम से कम क्या बोले, हाँ 1 किलो पार कर ही जाएगा। ना ना, लोग कहता है कि 8 किलो 10 किलो चल जाता, 5 किलो ना, ना, जाता वो है, अफवाह है वो सब, उसके लिए वो सब अफवाह है। अच्छा, ये मशीन चलाना आप सीखे कहाँ से? हम कभी नहीं चलाए थे, कभी नहीं, नया आदमी नहीं चला सकता है, कभी सब नहीं चलाए थे, कोई नहीं, बच्चा उच्चा सब चला लेगा, कोई दिक्कत। लोग कहते हैं कि नया आदमी इस मशीन को नहीं चला? ना ना, ऐसा बात नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, ऐसे कोई बात नहीं। चलिए तो मशीन को स्टार्ट कीजिए। बस इतना ही आसान है इस मशीन को स्टार्ट करना चलाना, आप देख सकते हैं। साउंड रहता है मशीन में, कितना वाइब्रेशन करता है आप खुद ही देख सकते हैं।
जो लोग शिकायत करते हैं, हवा का दबाव देखिए, गर्दा कितना ज़्यादा उड़ता है वो चीज़ भी आप देखिए, कितना रहता है, लोग जो कहता है कि आस पास पे लोग नहीं रह सकते यहाँ, ऐसा कोई समस्या नहीं आता इस मस्जिद में। यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ना तो हवा का दबाव रहेगा, ना तो साउंड ऐसा कुछ विशेष है, बिल्कुल स्मूथ तरीके से मस्जिद चल रहा है। जो है 2 क्विंटल पार कर देते हैं। पिसाई कैसे चल रहा है आपके एरिया? 2 रुपये गेहूँ है, उलवा हुआ 2 रुपये, 2 रुपये मतलब लोग दाना 1 रुपये। लोग जो है पहले पत्थर वाला चक्की में पिसवाता था, अभी आप ये लिया है नया, तो लोग आपके मशीन से, मशीन के पिसाई से खुश है? पूरे खुश है, पत्थर वाला मजे भी नहीं करता है, सब इधर आता है, पिसवाता है। पत्थर वाला के आप लोग नहीं जाता? ये परफॉर्मेंस है इस मशीन का, आप खुद ही देख सकते हैं, कस्टमर खुद बता रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, ये सब कहने के लिए आपको सिखाया तो नहीं गया? हमको तो कोई नहीं सिखाया, अभी तक जो है सो कभी नहीं हम ही देखे थे, ना चलाए थे, जाते थे पिछवा के ले आते थे, लेकिन मन हुआ लेना है, देखे यूट्यूबर पर। अच्छा यूट्यूब पर देखे तो आपको विश्वास हो गया कि? विश्वास हुआ, पूरे विश्वास। मान लीजिए कोई नया आदमी इसको लेना चाहे, आराम से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई आपको यहाँ पे लाइव देखना चाहे कि हम एक बार देखना चाहते चलते हुए, आपके यहाँ के देख सकता है? आराम से आके देखते हैं, गाँव वाला सब आते हैं और देखते हैं। अच्छा चीज़ है, अच्छा चीज़ है। आप जैसे लगाए हैं, आपके रेफरेंस में कोई लगाना चाहे आप उसको रेफरेंस दे सकते हैं? पूरे दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अपना अपना सब भाग भविष्य कमाता खाता है, कोई दिक्कत। दोस्तों आप देख सकते हैं कि ऐसा मतलब इनका कहना है कि कोई भी आदमी उसको चला सकता है, कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, कोई ट्रेनिंग की जरूरत, एडजस्ट कर यहाँ एडजस्ट कर दीजिए, बस आराम से बच्चा से लेकर बूढ़े तक चला। बहुत लोग कहते हैं कि सर आप मशीन को हमारे यहाँ लगवा दीजिए, वहाँ आदमी भेजना जरूरी है कि खुद से हो सकता है? खुद से भी हो जाए, खुद से भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, 3 नंबर जला लीजिए, उस लगा दे आराम से, पीछे रह कर सारा जो सेटिंग वेटिंग में मोटर का सब आप अपने की? आप अपने किए, अपने मिस्त्री हैं, गैरेज है, उतना नॉलेज है, अपने खुद किए। आप मिस्त्री है तो आप कर लिए, अगला आदमी कर सकते हैं, खाली वो बेल्ट का जो है, बेल्ट का खाली उसमें सूता लगा के दे, अलाइनमेंट मिला ले, अलाइनमेंट मिला ले, ताकि कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रीस खाली उसमें 10 दिन 15 दिन पर डालते रहे, बात 10 दिन 15 दिन पर चेक करते रहते ग्रीस। एक बार थोड़ा सा एम्पियर मीटर भी दिखा दीजिएगा, कितना एम्पियर पे चलाते हैं इसे? वही 12-15। हाँ, थोड़ा सा क्वालिटी हम दिखा देखो, बंद कर सकते हैं मशीन को आराम से, तो चलते हुए एक बार बंद कर दीजिए तो हम देखते हैं। मान लीजिए जैसे इसमें हॉपर में गेहूं है, उसके बाद लाइट कट गया, तो फिर कैसे इसको ठीक करते हैं मशीन, कैसे करते हैं मतलब बंद कर देते हैं? देखिए समस्या ये हो जाएगा, जब फिर लाइन कटेगा तो गेहूं थोड़ा बहुत रह जाएगा इसमें, चेम्बर में रह जाएगा, तो इसलिए थोड़ा साफ कर देने में जो है मोटर पर लोड उठना नहीं पड़ेगा, सब उसको निकाल के फिर उसमें डाल दें, बस उसी में डाल दें। क्वालिटी तो इसे भी कर सकते हैं लेकिन मोटर पर लोड ज़्यादा। थोड़ा सा क्वालिटी दिखाइए सर, कैसा निकला है एक बार, ये भी हम देख लेते हैं। साउंड तो कोई ज्यादा विशेष नहीं था, हवा का भी कोई विशेष नहीं था। कितना नंबर जाली पे पीछे? 3 नंबर में। 3 नंबर में बहुत ज्यादा महीन है, बहुत बारीक है। लोग 2 नंबर बहुत बारीक, ऐसा होता है कि 2 नंबर जाली पे ऐसा आता है, आप 3 नंबर पे निकाल रहे हैं। तो दोस्तों ये है क्वालिटी आटे का, और ये है 3 नंबर जाली का क्वालिटी है, जो 2.5 महीने से चला रहे हैं, बिल्कुल अनजान थे पहले, कोई मशीन वगैरह चलाने का एक्सपीरियंस था नहीं इनके पास, फिर भी इस तरीके का निकाल रहे हैं। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप भी इससे संपर्क, इस मशीन को लगा सकते हैं, भारत मशीनरी से संपर्क कर सकते हैं, जो कि महुआ में है, वैशाली बिहार में महुआ में स्थित है, ऑफिस है उनका, उनका नंबर हमने दे रखा है डिस्प्ले पे, आप कभी भी उनसे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को हम बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करते, कैसा लगा वीडियो कमेंट करें जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए आइडिया, किसी नए रोजगार के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।